ठीक है, ट्रिक है। क्या करते हैं, जैसे किसी चीज को 37 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले वो गिनती कैसी होनी चाहिए, सेम नंबर तीन बार लिखा होना चाहिए। जैसे क्या है, 1 1 1, थ्री बार, थ्री टाइम्स लिखा है कि नहीं, वो नंबर सेम नंबर होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 ही तीन बार लिखा जाएगा, 1 2 और 3 हो गया। अभी किससे डिवाइड करना है, 37 से, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3। कैसी ट्रिक क्या है, जो नंबर है उसी को ऐड करके लिख दो, उतनी बार में उसको डिवाइड करोगे वही नंबर आएगा। देखो 1 + 1 + 1 क्या आएगा, 3 3 बार डिवाइड करके चेक करते हैं सही है कि नहीं। 37 का टेबल तीन बार पढ़ो, 37 जा 21, कैरी क्या आया, 2, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 111 आया कि नहीं, इसका मतलब कितनी बार में गया, 3 बार में आया, समझ में कि नहीं। तो वो नंबर कितनी बार लिखा होना चाहिए, सेम नंबर 3 टाइम्स लिखा है, अगर आप 37 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आपका उन्हीं तीनों नंबर को ऐड करोगे वही आंसर होगा, आया समझ में। जैसे क्या है, आपको पहला ये दूसरा है, जैसे 2 2 2 को डिवाइड करना है किससे, 37 से, तो आंसर क्या आएगा, 6। क्या इसको हमने ऐड कर दिया, अभी आप देखो कि 37 में 6 से मल्टीप्लाई करके देखो आ रहा है 2 2 2 6, 7 जा 6 7 जा 42 ना, तो 42 के 2 कैरी हो गया 4, 6 3 जा 2 2 2 यस, इसका मतलब आंसर मेरा क्या आएगा, 6, ठीक है। अभी आपको आगे लगा के लेके आना है, 8 8 8 को डिवाइड करने पे क्या आएगा, गाइज आप भी कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट आंसर आप दीजिएगा, ठीक है, कि डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा, ओके।